कांग्रेस ने जबलपुर में प्रियंका गांधी की सभा के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का औपचारिक आगाज कर दिया है। जबलपुर दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत नर्मदा पूजा के साथ की। उन्होंने घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा की। हालांकि उनकी इस पूजा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू बता दिया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी का एक वीडियो शेयर कर यह हमला बोला। ट्वीट में बीजेपी ने प्रियंका गांधी का वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो नर्मदा की आरती कर रही हैं। इस वीडियो में प्रियंका गांधी ने आरती करने के बाद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को आरती सौंपा। इसके बाद उन्होंने आरती ली। इसी वीडियो को ट्वीट कर बीजेपी ने कहा, प्रियंका गांधी को इतना भी नहीं पता कि आरती पहले भगवान को दी जाती है फिर इंसान लेते हैं। इसी के साथ बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू बता दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर हमलावर होते हुए कहा कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं। मिश्रा ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर इन्हें चुनाव में ही नर्मदा मैया क्यों याद आती हैं, गंगा मैया क्यों याद आती हैं। इसी के साथ मिश्रा ने तंज भरे शब्दों में कहा, जब इन्होंने गंगा में डुबकी लगाई तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें आई थी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी यही हाल होगा। कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही कि उसकी स्थिति मध्य प्रदेश में काफी मजबूत है। कर्नाटक चुनाव से मिली सीट के बूते कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व पर मुखर होकर मध्य प्रदेश के चुनाव में उतर रही। इसी के चलते पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में महाकाल लोक और भगवान शंकर का नाम छाया रहा। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने मां नर्मदा का घाट चुनाव बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। सारंग ने कहा कि कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी और नर्मदा की आरती कर प्रियंका गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया और आज उनकी आरती उतार रहे हैं। सारंग ने कहा कि कमलनाथ ने बजरंगबली का केक बनाकर उस पर छुरी चलाई थी। चुनाव के समय भगवान को याद करना कांग्रेस की राजनीति है। हालांकि प्रियंका गांधी की आज की रैली से एमपी का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। ऊपर से प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से राज्य के शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोला उससे माना जाए कि एमपी में सियासी समर की शुरुआत हो गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भगवान के नाम पर ये लोग सत्ता में तो आते हैं लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने महाकाल लोक बनाया लेकिन 6 महीने के अंदर ही यहाँ की मूर्तियां हवा में उड़ गई। हर महीने एक घोटाला सामने आ रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को याद दिलाते हुए कहा कि 2018 में आपने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, वो जनता की सरकार थी लेकिन धन बल के दम पर इन लोगों ने जनादेश को कुचल दिया और आपकी सरकार गिरा दी। इन लोगों ने भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी सरकार का गठन कर लिया। इसमें जनता का कोई फायदा होता तो समझ में आता। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अपनी गारंटी दोहराई, कहा कि आज मैं जो 5 गारंटी दे रही हूँ इसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार की सुबह जबलपुर पहुंची। उन्हें रिसीव करने खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी के अन्य तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। महाकौशल पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मां नर्मदा की पूजा करते हुए चुनावी बिगुल बजा दिया। इसके बाद उन्होंने रानी दुर्गावती के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर जनसभा में पहुंची। बता दें कि 38 विधानसभा वाले महाकौशल में कांग्रेस ने साल 2018 में शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की कोशिश 2023 में भी इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की है। VideoDesk.amarujala.com अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।